आज के ये जो वीडियो है वो है स्टेटोसिस्टोमा मल्टीप्लेक्स। बहुत ज्यादा अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है, इजिली जो है यंग लड़कों में बॉयज में मिलता है। इन प्रॉब्लम की वजह से काफी एम्बैरेसमेंट फील होती है। हेलो एवरीवन, आज के ये जो वीडियो है वो है स्टेटोसिस्टोमा मल्टीप्लेक्स। ये एक जो बड़ा सा नाम है, ये बहुत ज्यादा अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है, इजिली जो है यंग लड़कों में बॉयज में मिलता है और इन प्रॉब्लम की वजह से काफी एम्बैरेसमेंट फील होती है। तो इसमें कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, ये बिनाइन लीजन होते हैं। इस तरह से पीले पीले दाने आपके अंडकोश और स्क्रोटम पे पाए जाते हैं, जिनमें ना कोई दर्द होता है ना खुजली होती है, लेकिन एम्बैरेसमेंट फील होती है। ये क्या अजीब सी चीज है जो मेरे अंडकोश में आ रही है, और शर्म आती है, और इस वजह से जो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और कॉन्फिडेंस कम होता है। तो ये होता क्या है, इस बीमारी को स्टेटोसिस्टोमा मल्टीप्लेक्स बोलते हैं। ये बड़ा सा नाम है लेकिन कोई ऐसी बड़ी सी चीज है नहीं, एकदम जो है हानिकारक नहीं है। बिनाइन लीजन्स होते हैं, इसको सिंपल सर्जरी से या मशीन के द्वारा निकाला जा सकता है, जिससे इसमें कोई निशान नहीं आता, कोई घाव नहीं बनता और कुछ दिनों में आप एकदम सही हो जाते हैं। होता यह है कि ये जो बिनाइन सीबेशियस ग्लैंड है उसके ब्लॉकेज होने की वजह से होता है, जिसमें ब्लॉक होने की वजह से सीबम प्रोडक्शन जो है अंदर ऐसे जम जाता है। उस सीबम प्रोडक्शन जमने की वजह से ये बढ़ते जाते हैं, और इसका आपके इनहेरिटेंस या जेनेटिक एसोसिएशन भी हो सकता है, क्योंकि सब में नहीं होता। तो म्यूटेशन होती है केआरटी जीन, केराटिन 17 के लिए जो जीन इन्वॉल्व होता है, केआरटी 17, उस जीन में जो है इसकी म्यूटेशन हो सकती है, तो उन लोगों को ये ज़्यादा पाया जाता है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आप इसको निकलवा दीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। सो इस केस में हमने दिखाया ही, हमने सर्जरी की थी और फिर उसके बाद कोई स्कार नहीं रहता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती और इजीली आप बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आप इसको इजीली निकलवा सकते हैं। सो अगर आपका या आपके किसी फ्रेंड को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट करें सिर्फ और सिर्फ अविश क्लिनिक में।